यार, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अनिल भाई। अभिषेक भाई क्या हुआ? भाई आपको एक बात बतानी थी, पर समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। भाई हम इतने साल से पड़ोसी हैं और आपके घर में कुछ मैटर होता है चाहे मेरे घर में, तो ये फैमिली वाला ही मैटर है। एक बात बतानी है, पिछले कई दिनों से ना आपके घर में एक लड़का आ रहा है, आपकी वाइफ ना रोज उसे बुलाती है, अभी भी रिसेंटली में उसने बुलाया है, आप चल के देख सकते हो। अरे अभिषेक ये तू क्या बोल रहा है, तू होश में तो है? अरे भाई मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, हम इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता चल के देख लो। चल अनिल तुम आ गए, देखो क्या हुआ, तेरा बना बनाया प्लान चौपट हो गया ना, तुझे शर्म नहीं आई? प्लान देखा अनिल भाई, मैंने कहा था ना एक अंदर लड़का है, और भाभी जी ये एक अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे फैमिली वाले लोग रहते हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आप प्लीज चुप रहिए। अनिल अनिल ये देखो ना, ऐसा कुछ नहीं है, और जो तुम्हारे साथ लड़का खड़ा है वो भी अकेले कमरे में, और तुम मुझे बोले जो तुम सोच रहे हो गलत नहीं है। वाह, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से बाहर। अरे अनिल भाई पहले उस लड़के को तो निकालो। तू सही कह रहा है अभिषेक, सारी फसाद की जड़ यही है। अबे साले सारी फसाद की जड़ तू ही है। अनिल क्या करे, छोड़ो उसको, निकल अभी निकल यहाँ से, डिवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंचाएंगे, निकल। अरे बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। भैया आप जल्दी गेट खोलिए, जल्दी खोलिए। भाई साहब आप चले जाइए, तमाशा खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी हेल्प की। अगर आज आप टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या ही होता। खैर छोड़िए, ये बताइए पैसे कितने हुए? अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चे की जान बच गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। थैंक यू भैया। बेबी अंदर था और गेट लॉक क्यों? मैं आपको यही तो बताने वाली थी कि मैं कुछ काम से बाहर गई थी, तो जैसे मैंने गेट बंद किया वो ऑटोमेटिक अंदर से लॉक हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया गेट खोलने का, पर गेट खोल ही नहीं रहा था। मैंने आसपास में देखा, कोई हेल्प के लिए नहीं था। मैंने आपको कॉल भी किया, आपकी एक कॉल नहीं लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन में चाबी वाले भैया को बुला लिया। अगर चाबी वाले भैया नहीं आते ना आज, तो पता नहीं हमारे बेबी के साथ आज क्या होता। अनिल वो तो बाहर क्या है, लेकिन तुम ऐसा करोगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो। सॉरी श्वेता, मैंने उस लड़की को देखा और अपना आपा खो दिया। हाँ तो आप आ गए उसकी बातों में, भूल गए कि हम दोनों का कोई रिश्ता है। I'm sorry, श्वेता, मैं उसकी बातों में आके बह गया था, और ना जाने मैंने आपको क्या क्या बोला। थैंक गॉड हमारा बच्चा बच गया, मुझे माफ कर देना श्वेता।